So everybody write a composition in their copy children. 2001-2002 and the children 2023-2024 visibility is okay to Visibility is okay? Shall So take an example. कि अगर हम बात करें चिल्ड्रेन मिल्क की और वी टॉक अबाउट राइस और वी टॉक अबाउट व्हीट और वी टॉक अबाउट क्लोदिंग और वी टॉक अबाउट फुटवेयर और वी टॉक अबाउट a particular distance of travel expense. Everybody must be agreeing to the fact एक्सपेंस 2001-2 बी अग्रिंग टू दू in comparison with 2023 फोर तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिल्क आज कितने रुपए लीटर है तो आप बोलेंगे सर अराउंड रुपीज सिक्सटी पर लीटर और टू थाउजेंड वन टू में मिल्क कितने रुपए लीटर रहा होगा Let us से ओनली ट्वेल्व रुपी पर लीटर राइस इस समय लेटस से हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपी पर के जी है तो यहाँ पे राइस कितने का रहा होगा मान लेते हैं लेटस से फोर्टी रुपीज चलिए फोर्टी रुपीज मान लेते हैं मैं थर्टी लिखने वाला था वीट चिल्ड्रन टेक एन एग्जाम्पल फोर्टी फाइव रुपी पर के जी है वीट का मतलब वीट फ्लोर एक्चुअली में गेहूं गैया तो है नहीं जो खाएंगे और उस समय कितना रहा होगा लेटेस्ट से टेन रुपी आज अगर आप एक ठीक ठाक क्लोथिंग खरीदते हैं तो मान लीजिए फाइव हंड्रेड रुपी की आएगी और उस समय कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था कपड़ा लेटेस्ट से तीन सौ का था होगा फुटवेयर मान लीजिए आज आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको कितने का मिलेगा लेटेस से आपको फुटवेयर मिलेगा मान लेते हैं एक हज़ार का और उस समय फुटवेयर रहा होगा मान लीजिए छः सौ का चलिए ट्रैवल एक्सपेंस एक पर्टिकुलर प्लेस से एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाने का मान लीजिए फिफ्टी रुपीज था उस समय एंड आज आपको पे करना पड़ेगा लेटर्स से नाइन्टी फाइव रुपीज इज दैट अंडरस्टूड तो अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें टू थाउजेंड वन टू में चिल्ड्रन तो इन सबको टोटल करके बताइए वैल्यू कितनी आएगी थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको मैं फिफ्टी एट कर देता हूँ ताकि ये ट्वेल्व के साथ एडअप होकर राउंडेड फिगर आपको दे कितना आएगा चिल्ड्रन बताइए

तो बाईस साल के टाइम में आई रिपीट चलन बाईस साल के टाइम में आपको सो कॉल गैप देखने को मिला इतना ढेर सारा तो प्लीज टेल मी कितना चेंज इन एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है बच्चों चलिए तो चेंज इन एक्सपेंस अगर हम बोले तो इट इज हाउ मच चिल्ड्रन एट हंड्रेड रुपीज तो आठ सौ रुपए हमारा खर्चा बढ़ गया बात चलो। और अगर मैं एक सिंपल सी मैथ्स आपको बोलू वु एट हंड्रेड एज परसेंटेज ऑफ रुपीज वन जीरो टू जीरो एक हजार बीस आठ सौ रुपए का कितना परसेंट है चलन तो आप इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे 800 डिवाइडेड बाय वन जीरो टू जीरो होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेडी देख लेते हैं कितना आएगा होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड चिल्ड्रेन यस कितना आ रहा है आंसर बचाट फोर सेवेंटी एट पॉइंट फोर थ्री परसेंट इज दैट क्लियर तो कहने का मतलब महंगाई सेवेंटी एट पॉइंट फोर थ्री परसेंट बढ़ गई और कितने साल में बढ़ी चिल्ड्रेन पीरियड ऑफ ट्वेंटी टूर्स बाईस साल में महंगाई सेवेंटी एटेंटल राइस कितना होगा ये कैलकुलेट करना अगेन बहुत सिंपल है नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस चल रहा है आप डिवाइड कर लेवेंटी एट पॉइंट फोर थ्री को ट्वेंटी टू से बचो तो आपका आंसर आएगा थ्री पॉइंट फाइव सिक्स फाइव परसेंट इसको बोलते हैं चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रेट और इसी इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए आपको जो कैलकुलेशन करना पड़ता है दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर्स खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन व्हाट इज इंडेक्स नंबर्स सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम

या जिस सैलरी में वो बाईस साल पहले जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी जॉब कर रहा था आज भी क्या उस सैलरी में जॉब करेगा नो no. आपने उसकी सैलरी हर साल दो परसेंट बढ़ा दी तो कुछ दिन बाद वो आपके ऑफिस में चोरी करने लगेगा क्यों चोरी करने लगेगा क्यों चोरी करने लगेगा बिकॉज लगे? बाजार में महंगाई में कितनी बढ़ रही है चिल्ड्रेन साढ़े तीन चार परसेंट के आसपास और बेचारे की तनख्वाह कितनी बढ़ रही है दो परसेंट तो जितनी सैलरी बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो चोरी करने को मजबूर हो जाएगा तो सर कितनी सैलरी हम बढ़ाएं भाई थ्री पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट भी अगर आप सैलरी उसकी बढ़ाते हैं तब भी बेचारे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहेगा अगर आप चाहते हैं वो अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े पहन के आए डेली नहा के आए तो भाई साबुन खरीदना पड़ेगा अच्छा टब और बाकेट होना चाहिए उसके घर में ठीक ठाक घर होना चाहिए भंगी की तरह ना चलाए तो इन दैट केस 3.565 परसेंट तो प्राइसेस प्राइसेज बढ़ रहे हैं सर कितनी बढ़ा दें सैलरी तो बढ़ाइए अरे आठ दस परसेंट बढ़ा दीजिए तो अगर आपने आठ परसेंट भी सैलरी उसकी बढ़ाई लगभग साढ़े तीन चार परसेंट तो उसका खर्चा निकल गया तीन तो चार परसेंट उसके पास सरप्लस सरप्लस रहेगा उस को वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसिस अपने बुढ़ापे के लिए सेव कर सकता है इवन चिल्ड्रन आपके स्कूल की जो फीस डिसाइड होती है वो भी ऐसे ही डिसाइड होती है जो So inflation का का होता है है तो 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 अगर में मान लीजिए कि वो वो बढ़ा बढ़ा सकते सकते हैं हैं और भी मतलब ये गवर्नमेंट का एक जनरल स्टैंडर्ड है बाकी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन टाइप ऑफ फैसलिटीजन उसके बेसिस पे वो डिफर करता है अब किसी स्कूल में हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है

तो अभी तो आपने सिर्फ प्राइस प्राइस किया कि था आने वाले टाइम में हम प्राइस के साथ क्वांटिटी और ये सब भी कंसिडर करेंगे तो एक दो बातें याद रखनी बहुत जरूरी है कि कैसे इंडेक्स नंबर बनता है तो आपके सामने जो मैंने हरकत की ये एट्टी परसेंट लॉजिक को कवर कर चुका है अब दो इयर्स हमने यहां पे जिस के लिए आपको इंडेक्स नंबर बनाना है दैट इज नोन एज करंट ईयर और जिस ईयर के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं चिल्ड्रेन दैट इज नोन एज बेस ईयर तो मेरे एग्जाम्पल में जो बेस ईयर था दैट वॉज टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू और जो करेंट ईयर था फोर जेनरलीट इस बेस ईयर शुड बी दैट ईयर जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना हुई हो पता लगा जिस ईयर में कोविड आया था आपने उसको बेस ईयर ले लिया तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा बिकॉज जिस ईयर में किसी ईयर में वॉर हो गई ड्रॉट

तो ये अभी मैं आपको थोरिटिकल कॉन्टेंट बताऊंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं ये सबको समझ में आ गया पक्का कि ये index का calculation class में बड़ा काम आता है जब आप किसी की goodwill निकालते हैं चल तो वहां पे आपको ये बात फिर काम आएगी तो खैर इस एग्जांपल को झटपट अपनी कॉपी में लिख लें सोच so, सबको ये समझ में आ गया कि भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है सबको समझ में आ गया चल चलिए तो यहाँ पे आपको कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा चलन हिस्टोरिकली इट वॉज कार्ली एंड इटालियन ब्रह्मांड की बात तो नहीं कर सकते धरती में सबसे पहले इंडेक्स नंबर कब बनाया था चलन 1764 में और इसने प्राइस कंपेयर किया था 1750 का किस ईयर के साथ 1500 के साथ तो ये कौन सा ईयर होगा चलन

स्कूल हॉस्पिटल आप सबका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो तो इवन चिल्ड्रन ये जो आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना पिछले साल कितना आया था मेरा परसेंटेज इस साल कितना आया तो वो परसेंटेज में इसलिए आप उसे इंडेक्स का नाम नहीं दे सकते है एक्चुअली वो भी एक तरह का इंडेक्स नंबर ही और आई सी स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग सर हमारा तो इंडेक्स नंबर कुछ और ही होता था जो बोर्ड एग्जाम में सर एडमिट कार्ड पे लिखा होता था तो आई सी में रोल नंबर को इंडेक्स नंबर बोला जाता है क्यों इंडेक्स नंबर बोला जाता है काउंसिल जो रिकॉर्ड रखता है बच्चों का उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट्स जैसे घर में टेलीफोन होता है ना एग्जैक्टली वैसे तो इंडेक्स नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी छोटा एक सा और एग्जाम्पल लेते हैं ये शब्द सुना है चिल्ड्रन सेंसेक्स और ये निफ्टी भी सुना होगा सेंसेक्स एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ चिल्ड्रन 90, 90 में स्टार्ट हुआ, लोग ऐसा जानते हैं, बट एग्जैक्टली चिल्ड्रेन जो हम सेंसेक्स की बेस लेते हैं वो 1980 की लेते हैं और सेंसेक्स जो स्टार्ट हुआ वो 79 के आसपास स्टार्ट हुआ था वॉट इट क्लियर तो राउंड फिगर रहे इसलिए 80 ले लिया जाता है उस समय सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी सौ सौ रुपए नहीं सौ पॉइंट और आज 2024 फरवरी की अगर हम बात करें इट इज समय अराउंड सेवेंटी टू थाउजेंड तो मतलब उस समय अगर आपने सौ रुपए इन शेयर में लगाया होता तो आज वो बहत्तर हजार होता एक हजार लगाया होता तो सात लाख बीस हजार होता दस हजार लगाया होता तो बहत्तर लाख होता और एक लाख लगाया होता तो साढ़े सात करोड़ रुपए होते सर दादाजी को समझ में नहीं आया हमारे किसी के दादाजी को समझ में नहीं आया था टेंशन ना लीजिए आप ओके निफ्टी एक्चुअली जो है चिल्ड्रेन ये 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना बट शेयर्स की ट्रेडिंग 1994 और से स्टार्ट हुई थी क्लियर तो ये जो बेस वैल्यू मानी गई थी निफ्टी की दैट वॉज कंसिडर्ड एज वन थाउजेंड पॉइंट तो सेंसेक्स का बेस सौ पॉइंट माना गया था और निफ्टी का बेस हजार ऐसे ही है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे बोर्ड्स हैं स्टेट बोर्ड्स यूपी बोर्ड पंजाब बोर्ड एंड ऑल यहाँ पे जनरली एग्जाम सौ नंबर के होते हैं

जेस तो जब आप कहें सर मेरा क्लास में नाइन्टी फोर परसेंट मार्क्स था और सर मेरा ट्वेल्थ क्लास में नाइन्टी वन परसेंट हो गया तो ये भी एक तरह का इंडेक्स ही है बच्चों ओके इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन रिलेशन एक टाइम पीरियड टू थाउजेंड वन टू था बच्चों और दूसरा टाइम पीरियड क्या था ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो वी आर कंपेयरिंग इट इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज दैट अंडरस्टूड तो अगर मैं आपसे बोलूं दैट आपके घर में किसी का जॉब लग गया एंड पर्सन इज लोकेटेड एट जयपुर हो सकता है एम्प्लॉयर बोलेगा फोर्टी थाउजेंड रुपी यू विल बी गेटिंग एज बेसिक वेज व्हाट उसके बाद महंगाई बढ़ रही है इसके लिए हम आपको दस हजार रुपए महीना और दे देंगे तो टोटल सैलरी हाथ में कितनी आएगी फिफ्टी थाउजेंड और आपके रिलेटिव का जो होम टाउन था ना बच्चों वो जयपुर ही है अब दो साल बाद उनको बोला गया कि भाई वी आर स्टैब्लिशिंग और आपको उस ऑफिस में हेड बना के भेजा जा रहा है तो वो आपके रिलेटिव कहेंगे मेरे को टॉमी और मोती ने नहीं काटा की पचास हजार रुपए में जयपुर में नौकरी कर रहा हूं तो मुंबई में भी पचास हजार में करूंगा तो मुंबई तो भाई महंगा शहर है तो ऑफिस वाले कह रहे हैं डोंट वरी हम आपको पच्चीस हजार रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि आप वहां पे लाविस्टली अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रह पाए तो मुंबई जॉब हो जाएगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी 75. क्यों, इतना, so called, है, के उपर, आपके रिश्तेदार के ऊपर क्योंकि मुंबई में कॉस्ट समझ में डिफेंस तो वाले चिल्ड्रन उनकी सैलरी जब तक वहां पे पोस्टेड होते हैं अडिशनल स्नो बाउंड एरिया अलाउंस मिलता है उन लोग को जो लोग ये वहां पे पोस्टेड होते हैं मणिपाल साइड जहां पे काफी माओवादी वगैरह मॉएस्ट लोग हैं जहां पे जान को खतरा है तो रिमोट एरिया वहां पे अलग अलाउंसेस मिलते हैं तो सारा कैलकुलेशन जो किया जाता है इट इज डन यूजिंग व्हाट इंडेक्स नंबर डूजिंग में बात गई कि नहीं गई आपके स्कूल टीचर स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलती है बट ढाई से साढ़े पांच आई बोर्ड का पेपर है मान लीजिए डेढ़ से साढ़े चार मान लीजिए कोई स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए पैसे अलग से क्यों मिलते हैं बिकॉज उसके लिए उनको एफर्ट भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है अब कितना पैसा दिया जाए आई रिमेंबर सीबीएसई चिल्ड्रन 2006 के आसपास एक एग्जाम ड्यूटी का साठ रुपए दिया करता था कितना थ्री एग्जाम ड्यूटी एंड टुडे दे पे अराउंड इतना ज्यादा पैसा मिलता सर अरे भाई उस समय साठ रुपए मिलता था जब साठ रुपए एग्जाम ड्यूटी का मिलता था कॉपी करेक्शन का छह रुपए मिलता था और आज एक कॉपी चेक करने के लगभग पच्चीस से पैंतीस रुपए मिलते हैं समझ में आ आई सी काउंसिल में और ज्यादा पैसा मिलता है क्यों ऐसा है भाई टीचर्स की एज भी हो रही है उनके खर्चे बढ़ बढ़ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीड्स एंड वॉन्ट्स बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली रेमुनरेशन भी बढ़ाए जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम की ड्यूटी का पांच छह सौ रुपए मिलता था आज हजार पंद्रह सौ रुपए मिलता है बिकॉज महंगाई बढ़ रही है इज दैट अंडरस्टूड इज दैट अंडरस्टूड चलिए सो वी हैव इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं सर आपने तो बनाया था फिर से एक बार एग्जाम्पल देखिए अपना ये कोई प्रॉब्लम हुई बस एक ही प्रॉब्लम हुई एडिट नहीं हो पा रहा था बाद में वो भी हो गया अरे भाई ये प्रॉब्लम नहीं पहला प्रॉब्लम किस पर्पस के लिए आप इंडेक्स नंबर बना रहे हैं अगर आपका पर्पस सो कॉल्ड महंगाई पे इफेक्ट देखने का है क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है तो कैलकुलेशन कुछ और होगा रिटेल प्राइसेस लिए जाएंगे बट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपको टैक्स लगाना है सर्विसेज पे तो आपको ये देखना पड़ेगा उन सर्विसेज की बाजार में डिमांड कितनी है डिमांड ज्यादा है आप टैक्स लगा दीजिए शॉपकीपर चोरी नहीं करेगा एक तो डिमांड थी नहीं प्रोडक्ट की ऊपर से टैक्स की मार दे दिया आपने शॉपकीपर विल स्टार्ट स्टीलिंग योर टैक्सेस बेस hmm. ईयर कैसे सेलेक्ट किया जाए आई हैव जस्ट टोल्ड एवरीबॉडी बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है चिल्ड्रेन जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो पता लगा आपने एक ऐसा ईयर ले लिया जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस समय भाई चीजों के दाम बढ़ गए रशिया में इंडिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ा उसका वॉट इट तो गड़बड़ी हो जाएगी अगर आप कंज्यूमर से रिलेटेड इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो क्या आपको डीजल ग्रीस स्टील आयरन ये सब लेना पड़ेगा कंज्यूमर से रिलेटेड बना रहे हैं नो no. आपको वो कमोडिटीज लेनी पड़ेंगी जो कंज्यूमर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं देर आफ्टर डेटा आप कहां से लेंगे होलसेल मार्केट से डेटा अगर आपने ले लिया क्या आपको रिटेल प्राइसेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे देर आफ्टर प्राइस कोटेशन प्राइस कोटेशन मतलब जो प्राइस आपने जहां से ली सिलेक्शन ऑफ एवरेज सर ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा बच्चों ये स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन विजिबल चिल्ड्रन विजिबल टू तो एवरीबडी प्राइसेस आर विजिबल करेक्ट क्या बच्चों आपको क्वांटिटी नजर आ रही है नो बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ती है कंट्री में तो डिमांड भी बढ़ती है सो so ये जो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन था इट वॉज विदाउट क्वांटिटी बट आने वाले टाइम पे आप एक ऐसा इंडेक्स नंबर बनाएंगे जहां पे क्वांटिटी को भी लेना है mm -hmm. तो एवरेज दो तरह का है एवरीबडी कैन राइट इट चिल्ड्रन वन इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज जो अभी आपके सामने है और जब आप क्वांटिटी ले, ले लेंगे साथ में तो ये क्या बन जाएगा वेटेड वेटेड एवरेज एवरेज में आप किस कमोडिटी को कितना इंपॉर्टेंस देंगे दैट इज अनदर प्रॉब्लम अगर आपने राइस और वीट दोनों लिया चिल्ड्रन तो नॉर्थ इंडिया में राइस और वीट में से पीपल प्रेफर टू ईट वॉट मोर कम है साउथ इंडिया में क्या है तो का बना हुआ क्या में काम आएगा नो no. का no. क्योंकि नॉर्थ में वीट को हमने सो कॉल्ड इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है और राइस को कम और साउथ में क्या हो रहा है राइस को इंपोर्टेंस ज्यादा दी और वीट को कम अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यह क्या है कुछ इकोनमिस्ट या स्टैटिस्टिशियंस आप कुछ भी बोल लीजिए उन्होंने बच्चों इंडेक्स नंबर निकाले और क्या बोला ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस तो कंसिडर करेंगे कुछ ने कहा कंसिडर क्वांटिटी ऑफ बेसियर ओनली यहां पे भी एज वेल एज यहां पे भी और कुछ कहने नहीं बेस ईयर में बेस ईयर की क्वांटिटी लो और करंट ईयर में करंट ईयर की मतलब कुछ लोग कह रहे हैं एक ही क्वांटिटी ले लो वही बेस ईयर में लगा लो और वही करंट ईयर में मतलब उन्होंने डिमांड के बढ़ने की वजह से जो क्वांटिटी बढ़ेगी उसको ध्यान में नहीं रखा मतलब कहने का ये है कुछ टीचर आज भी खच्चर हैं वो आंसर पे ही नंबर देते हैं फाइनल आंसर आएगा तो मार्क्स देंगे स्टेप पे नहीं देंगे इज इट अ करेक्ट प्रैक्टिस नो बट बच्चे ने तो एफर्ट डाला है स्टेप लिखने भी तो उस पर मार्क्स दे दो तो ये चीज है रहे हर स्टैटिस्टिशियन का अपना अलग अलग फॉर्मूला है देर आर सेवन टू नाइन वेज टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर चल तो हर जगह आपको फॉर्मूला अलग अलग यूज करना पड़ेगा समझ में आ गई बात तो जो मैंने पटर पटर भी किया है ये कंटेंट आपके पास है आप इसकी रीडिंग जरूर कर लीजिएगा इसको क्रॉस कर दीजिए बच्चों इससे आपका कोई लेना देना नहीं है फिक्स्ड बेस और चेन बेस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब बट अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है इट बट बच्चे सोच रहे नहीं सब थोड़ा सा बता दीजिए तो रात में नींद अच्छी आ जाएगी चलिए कोई बात नहीं पुराने घर में आपका जो किचन था वो नॉर्मल पुराने स्टाइल का ट्रेडिशनल किचन था बीस बीस किलो के डिब्बे रखे थे आटा चावल स्टोर करने के लिए बट नए घर में पापा ने मॉडलर किचन बनवा दिया क्या किचन में किलो का डिब्बा रख पाएंगे नो तो वहां मम्मी ने छोटे दो दो किलो के जार खरीदी है तो अब दो बीस किलो वाला डिब्बा पहले किचन में था अब नए किचन में दो किलो वाला जार आ गया तो डिब्बा कहाँ चला जाएगा स्टोर रूम में तो फिक्स्ड बेस चेन बेस कुछ ऐसा होता है कि आपने रिजर्वेशन करवाया था राजधानी में ट्रेन कैंसिल हो गई रेलवे ने आपको अपग्रेड कर दिया वंदे भारत में तो आपको उतना ही पैसा देना है बट आपको जर्नी मिल जाएगी तो फिक्स बेस चेन बेस का मतलब यही होता है जब हमारा बेस ईयर चेंज होता है चिल्ड्रेन तो हमारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज आते हैं मैं एक एग्जाम्पल से आपको पढ़ाऊंगा भी परेशान मत होइएगा इसके ऊपर गॉट इट चलिए बेस पीरियड सबको समझ में आ गया तो अभी जो इंडिया में बेस ईयर चल रहा है चिल्ड्रेन दैट इज इलेवेन 12 और हम जब स्टूडेंट थे ना हमने तो 98 में ट्वेल्थ पास किया तब बेस इन एट्टी वन एट्टी टू हुआ करता था सर ये चेंज क्यों हो जाता है भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महंगाई बढ़ती है तो डेटा बहुत पुराना हो जाता है तो इट बिकम्स बिकमरेवेंट आई रिपीट चिल्ड्रन इट बिकम्स इनरेवेंट आपके पास भी जब कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं आप क्या करते हैं देखते नहीं है बुझा बना लेते हैं उसका चलिए सो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज आई हैव टोल्ड प्राइस कोटेशन बता दिया चिल्ड्रन चलते हैं आगे ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चलो बच्चों, सो so, आप अपनी कॉपी ओपन कर ले चल्ड्रेन और कॉपी में जरा कुछ लिखना पड़ेगा नोट्स तो सबके पास आ गए होंगे जिनके पास नहीं हो ले लेंगे Types of index चल सबसे पहला जहां पे आप so -called प्राइस को करेंगे क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है सेकेंड इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर चिल्ड्रन यहां पे क्वांटिटी से मतलब होगा प्राइस से मतलब नहीं होगा और तीसरा क्या है चिल्ड्रन वैल्यू यहां पे आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों से मतलब होगा ये मत ऐसा दोनों यह मतलब नहीं होगा ओके सो प्लीज पुट द हेडिंग और बस ये तीन लिख लें आप प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर क्विकली चिल्ड्रन चलिए सो ये सब टाइम पास है इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन और इस हेडिंग को लिखकर आप ये एक डायग्राम जरूर बना लें। अनवेटेड एंड वेटेड प्रैक्टिकली जब आप अनवेटेड पढ़ेंगे बच्चों तो क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है और जब वेटेड पढ़ेंगे तो क्वांटिटी से बहुत ज्यादा लेना देना होगा तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं विदाउट क्वांटिटी ओनली प्राइसेस और यहां पे आप लिख सकते हैं विद क्वांटिटी एंड प्राइसेस क्विकली चल चलिए तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं चलो, सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी कॉपी में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव इसलिए क्योंकि प्राइसेस का टोटल करेंगे और इसमें मेरे को आपको कुछ पढ़ाना नहीं है ये जो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंटली आपके सामने नजर आ रहा है चल्रेन यही है सिंपल एग्रीगेटिव मैथड वॉट इट क्लियर ये सारी की सारी जो प्राइसेस नजर आ रही थी टोटल इसे बोलेंगे पी जीरो और इसे बोलेंगे चिल्ड्रन व्हाट पी वन और आप पी वन को डिवाइड कर देंगे पी जीरो से और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हंड्रेड से व्हाट इट चलिए तो आपको यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही है चिल्ड्रन चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए पी जीरो वन इक्वल्स टू समेशन पी अपॉन समेशन पी होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड where summation p1 equals to total of prices in current year and this is children total of prices in this year remember children aap income tax jab padhenge graduation third year mein wahan pe bhi ye kaam aayega aapko और statistics का graduation second year का syllabus तो पूरी इलेवेंथ की statistics लेके चलता है तो जितना हमने mean median mode पढ़ा था प्लस इंडेक्स नंबर इसके बाद कोरिलेशन पढ़ेंगे फिर मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा मेजर्स ऑफ इज देयर इन सी सिलेबस बट सीबीएसई से कट गया है वो इतना पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन में कुल दो चैप्टर आपको स्टैट्स में और पढ़ना है बस बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सेकंड ईयर की और बीए सेकंड ईयर की विद क्लास 11th एग्जैक्टली exactly सेम है चिल्ड्रन और उसमें से भी एक चैप्टर आपके टीचर ने नाइन्थ में आपको पढ़ा दिया था प्रोबेबिलिटी एक सिक्का उछालेंगे तो हेड जाने के चांसेस टेल जाने के चांसेस तो दो सिक्का उठ इलेवेंथ में थोड़ा ज्यादा होगा बेस आ गया होगा। में तो लोगों ने बस बस वही तो आ जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है ग्रेजुएशन में। और एकदम आसान सा एक चैप्टर टाइम सीरीज होता है बस तो आप समझ लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं डन चलो लिख दिया सबने सबने लिख लिया बच्चों चलिए तो लेट्स एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन फिर एक बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलो बच्चों सबको नजर आ रहा होगा कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2016 17 टेकिंग 11 12 एज द बेस ईयर तो करंट ईयर कौन सा हो गया बच्चों 16 17 और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया चिल्ड्रन कोई भी नहीं 11 12 रेडी एवरीबॉडी चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले आप कॉलम बना लें चलो कौन कौन से कॉलम बनेंगे सर सिंपल एकदम एकदम सिंपल है एकदम सिंपल सबसे पहले आप कॉलम बनाए कमोडिटी फिर आप लिख दें बेस ईयर प्राइस ब्रैकेट में चल्रेन टू थाउजेंड एलेवेन डैश ट्वेल्व एंड देन करंट ईयर प्राइस टू थाउजेंड सिक्सटीन डैश कमोडिटी इज वीट राइस पलसेस शुगर और प्राइस है ट्वेंटी रुपीज हेयर एटेज ट्वेंटी फाइव देन चिल्ड्रेन थर्टी रुपीज हेयर एटस फोर्टी देन एटेज सिक्सटी एंड हेयर एट्टी और जरूरी नहीं हर चीज महंगी हो जाए करेंटी में कुछ सस्ती भी होती है एंड फोर्टी चलिए आई होप सो एवरीबडी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल चल रहा वन फोर्टी एंड वन एटी चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं चलन एकदम आसान फॉर्मूला है एकदम आसान फॉर्मूला इट इज पी जीरो वन इक्वल्स टू समेशन पी वन अपॉन समेशन पी जीरो होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड वॉट इज समेशन पी वन चलन वन एटी फाइव and it is 140. whole multiplied by 100. Zero, zero बन गया करिए कितना आएगा का मतलब क्या है इसका मतलब है कि इलेवन ट में अगर ये चीजें सौ रुपए की आती थी तो आज इनको खरीदने के लिए हंड्रेड एंड थर्टी टू रुपीज फोर्टीन पैसा यू तो आपकी महंगाई कितनी बड़ी

तो गवर्नमेंट जब इस चीज को देखती है तो कहती है कि भाई पूरे कंट्री में इंप्लॉइज की सैलरी दस परसेंट बढ़ा दी जाए बारह परसेंट बढ़ा दी जाए पंद्रह परसेंट बढ़ा दी जाए और अगर दो परसेंट बढ़ाएंगे तो अगले साल वोट ही नहीं देंगे हम इस गवर्नमेंट को इज दैट क्लियर हाँ और आप ध्यान दीजिएगा इलेक्शन के आसपास ये सैलरी वगैरह बढ़ाने का लॉलीपॉप गवर्नमेंट लोगों को देती है ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वोट एक्चुअली पूरे के पूरे मिल पाए तो बात समझ में आगे चलन इंपॉर्टेंस एन हाउ कैलकुलेट पक्का तो खैर आपको तो इतना काम नहीं करना था आपका आंसर बस यही पे आ गया है ठीक तो 132.14 का मतलब यही है इफ इन बेसियर हम इन बंडल ऑफ कमोडिटीज को सौ रुपए में खरीदते थे तो आज इनको खरीदने के लिए हाउ मच मनी डू वी नीट वन हंड्रेड थर्टी टू पैसे सबने सॉल्व कर लिया चलते हैं आगे चल रहे चलिए तो बैक क्वेश्चन देख ले जरा बैक क्वेश्चंस भी कुछ कर लें जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा शीट के बैक पे लोग ओपन करेंगे जिनके पास शीट नहीं है ड्यू टू देयर एब्सेंस इन क्लास आई कान डू एनीथिंग फॉर देम चलिए बच्चों अब ऑब्वियस सी बात है आपको प्राइसेस नजर आ रहे हैं चिल्ड्रेन यूनिट्स क्विंटल क्विंटल लीटर एंड मीटर मीटर और लीटर को क्विंटल में कन्वर्ट करने की मैथ्स पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं सिखाई जाती है ठीक तो परेशान मत होइएगा बस ऐसे ही आपको कंसिडर करना है ये बताइए बच्चों बेस ईयर कौन सा है 2011 इलेवन और करंट ईयर चलिए तो शीट जिनके पास है वो यहीं पे प्राइसेस को बस टोटल कर लें और फॉर्मूला लगाएंगे पी वन अपॉन सॉरी समी वन अपॉन समेशन पी जीरो इंटू हंड्रेड जरा प्राइसेस को टोटल करके बताइए नाइन ओ वेरी गुड एंड है इलेवन फिफ्टी वाइन जीरो सॉरीशन पी वन इज इलेवन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई नाइन जीरो बड़ी तेज आंसर निकालो भाई अच्छा अच्छा चलिए सीबीएसई वाले बच्चे भी निकाल ले या एसी वाले सी वाले अपनी दिखा रहे हैं कैलकुलेटर से तो कोई बात नहीं दो साल बाद इनको समझ में आएगा जब ये ग्रेजुएशन में जाएंगे

चलिए चलिए कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे सो चिल्ड्रन फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले पी जीरो वन इक्वल टू समेशन पी वन अपॉन समेशन पी जीरो होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो चिल्ड्रन इट इज इलेवन नाइनटी टू डिवाइडेड बाय 850 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आएगा आंसर 140.23 फाइव मतलब जो कमोडिटीज उस जमाने में सौ रुपए की मिला करती थी आज उन्हें खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक सौ चालीस रुपए तेईस पैसे समझ में आ गया तो महंगाई अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट बढ़ गई ओवर अ पीरियड ऑफ एट इयर्स तो हर साल का इन्फ्लेशन लेवल क्या है पांच परसेंट तो अगर आपके बिजनेस के प्रोफिट और सैलरीज पांच से ज्यादा बढ़े हैं तो आप मंदिर के सामने कार चलाएंगे वरना कटोरा लेके बैठेंगे तो ये है इंपॉर्टेंस इंडेक्स नंबर की समझ गए सिंपल इंडेक्स नंबर पक्का चलिए अब इसी इंडेक्स नंबर में एक सबसे बड़ा था था क्या था सर flaw? आपने टोटल को तो कंसिडर कर लिया अब ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात को किसी स्टूडेंट के टेंथ क्लास में मार्क्स आए नाइंटी फोर परसेंट और ये अपने स्कूल में फर्स्ट आ गया इज क्लियर और किसी बच्चे के मार्क्स आए एटी नाइन परसेंट और ये मान लीजिए रैंक पे तो अन्याय अन्याय संस्कृत की वजह से आए थे मैथ्स में चालीस नंबर थे तो उन्होंने बेस्ट फाइव सब्जेक्ट में उसको इग्नोर कर दिया इन भाई साहब के मैथ्स में नाइनटी मार्क्स आए थे इंग्लिश वगैरह में बहुत कम आए थे तो भाई आई सी बैंगलोर में पढ़ने के लिए मैथ्स और साइंस आपको आनी चाहिए तो तो आप में, तो अच्छा है, है। में जरूर कम लग रहा है बट वो बेनिफिट ज्यादा देखे जा रहा है तो कहने का मतलब टू हंड्रेड से टू फोर्टी लगभग बीस परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ नो yes सिक्स no? से थर्टी अराउंड फिफ्टी परसेंट हंड्रेड से हंड्रेड एंड टेन अराउंड टेन परसेंट सिक्स एट्टी टू नाइन अराउंड साढ़े बारह परसेंट तो किसी चीज का प्राइस पचास परसेंट बढ़ा है किसी का सिर्फ तीन परसेंट बट एवरेज में कितने परसेंट महंगाई बढ़ी हुई नजर आ रही थी चिल्ड्रन फोर्टी परसेंट तो क्या आप इंडिविजुअल प्राइस चेंजेस को एनालाइज कर पाए अपने इस मेथड में नहीं कर पाए तो अब जो हम अगला मेथड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जहां पे आप इंडिविजुअल कमोडिटी के चेंज को भी एनालाइज करेंगे बात चलिए। तो वापस आते हैं अपनी कंटेंट पेज पे चला? वापस आते हैं कंटेंट पेज पे आ गया बच्चों हमारा कंटेंट पेज चलिए तो ये वाला क्वेश्चन शायद हम कर चुके थे अभी वी डेट दस वन नहीं ये वाला नहीं किया था आ, कौन सा किया था हमने हाँ ये वाला किया था चलिए तो आते हैं बच्चों अपने अगले मेथड में तो ये लिमिटेशन आपको समझ में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्या था तो किसी चीज का प्राइस तो पचास परसेंट बढ़ा किसी का दो परसेंट बढ़ा तो इंडिविजुअल एवरेजेस में नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओके चलिए सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स तो सर यहां पे कैसे कैलकुलेट होगा बड़ा सिंपल है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए चलना क्या है फॉर्मूला समेशन पी वन अपॉन पी जीरो होल मल्टीप्लाइड बाय अब मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में लिख के आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें चल रहे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव समेशन पी आर अपॉन एन होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड What did I say, आप हर प्राइस का सो so कॉल आपस में को रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और फिर जाके उस प्राइस रिलेटिव को एड कर देंगे तो बन जाएगा समेन पी आर इज दर

तो सर फॉर्मूला बनेगा इसका थर्टीन इंटू हंड्रेड अपॉन टेन आ गया ना पी वन अपॉन पी जीरो चिल्ड्रन वन थर्टी इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर ये आंसर कितना आ रहा है चिल्ड्रन तो प्रॉब्लम इज दिस सबसे बकवास चीज हिंदुस्तान की किताबों में ही लिखी होती है वॉट इट क्लियर किसी अच्छे बच्चे को बेकार करना हो तो किताब पढ़ा दो उसको कायदे से बेकार हो जाएगा mm -hmm. तो सिंपल यूनिटरी मेथड है जो क्लास थ्री फोर फाइव में टीचर ने आपको पढ़ाया था अगर ट्वेंटी इज इक्वलेंट टू हंड्रेड सेवनटीन वुड बीवलेंट टू वॉट सेवेंटीन अपॉन ट्वेंटी होल आएगा इफ आई एम मल्टीप्लाइडी एटी फाइव ही आ रहा है ना yes. चलिए समझ में आ गया और यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ऐसा भोकालबाजी बना रहे हैं अपनी यूनि सब कुछ आता है बेचारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं कीड़े पड़ेंगे इनको कीड़े सी पार्ट चिल्ड्रन थर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड equals टू कैसे कैलकुलेट होगा आंसर और ये तो बड़ा आसान है दलित है है डी क्योंकि 40 अगर 100 के बराबर है, तो सेवन इक्वल इंटू वॉट तो सेवनटी अपॉन हंड्रेड इंटू फोर्टी कितना चलन वन सेवेंटी फाइव टोटल कर लो इन सबको टोटल कर लो टोटल कर लो जिनको मैथ्स आती है वो टोटल करें फाइव नाइन्टी कितने टोटल फोर जरा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके फोर से डिवाइड कर दीजिए पहले डिवाइड कर लो परसेंटेज में आना है कुछ नहीं आएगा आंसर कुछ नहीं आएगा कितना आएगा सेवन पॉइंट फाइव समझ में आ गया अब ध्यान से सुनिएगा इसमें और पिछले मेथड में फर्क क्या था वहाँ पे आपने टोटल एवरेज निकाला था यहाँ पे इंडिविजुअल किए जा रहे हैं है। तो नहीं पता लगेगा लॉजिक लग समझ में आ गया पक्का तो ये जो बच्चों आपने कैलकुलेट किया टू हंड्रेड एंड वन सेवेंटी फाइव इन सबको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव समझना क्या किसका रिलेटिव मेरा रिलेटिव आपका रिलेटिव प्राइस का रिलेटिव है इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल तो अब आप कहेंगे सर इसको हंड्रेड से आगे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं अब इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने की फिर से जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पहले हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर चुके थे वॉट इट क्लियर तो इसलिए बस आप फाइव नाइनटी अपॉन फोर कर दीजिए एंड टेल मी क्या आएगा आंसर चिल्ड्रन वन फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव पीपल अंडरस्टूड तो इस एग्जाम्पल के साथ इन यूनिटरी मेथड्स को जरूर लिखें चल्ड्रन तब जाके कहानी ठीक से समझ में आ जाएगी इट क्विकली हैव वन मोर क्वेश्चन चल्ड्रन एग्जाम्पल नंबर फाइव नजर आ रहा है चलिए यूनिटरी मेथड सी किया जाए चलिए निकालेंगे हम ड्रेड फोर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड एट्टीवल टू हंड्रेड हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड पहले ईजी इजी वाले कर लिए जाए रेडी है चलन ई वाले पे आ जाइए ई से इजी भी होता है ट्वेंटी हंड्रेड है तो ट्वेंटी फिर से कितना होगा हंड्रेड हंड्रेड अगर हंड्रेड है तो वन ट्वेंटी कितना होगा वन ट्वेंटी चलिए एक ये भी आसान है फोर्टी सौ के बराबर है चल रन ठीक है तो सिक्सटी किसके बराबर होगा फोर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड तो सिक्सटी टू वॉट तो इट इज सिक्सटी इंटू हंड्रेड अपॉन फोर्टी क्या है 150. Mental बहुत तेज हो जाएगी सी वाला कैलकुलेट करते हैं एट्टी अगर हंड्रेड के बराबर है बच्चों तो हंड्रेड कितने के बराबर होगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन एट्टी हाउ मच वन ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी अगर हंड्रेड के बराबर है तो सेवेंटी कितना होगा सेवेंटी इन टू हंड्रेड अपन फिफ्टी हाउ मच वन फोर्टी सबको ऐड कर दो बच्चों और बताओ क्या आएगा टोटल टू नाइंटी थ्री नाइनटी फोर नाइन्टी सिक्स थर्टी फाइव आइटम्स वर देयर फॉर्मूला जरूर लिखिएगा बच्चों समेशन अपॉन एन आइटम्स फाइव गेट द आंसर जो समान उस ज़माने में सौ रुपए के आय करते थे आज अगर आप उसे खरीदेंगे तो एक सौ सत्ताईस रुपए के आएंगे महंगाई कितनी बढ़ गई ट्वेंटी सेवन परसेंट एट ईयर में चिल्ड्रन लगभग या चलिए इलेवन को भी इंक्लूड कर लेते हैं नाइन ईयर में तो एक साल में महंगाई बढ़ी तीन परसेंट। समझ में आया कि नहीं आया अब बच्चे कहीं सर, अब बच्चे सर ये बार बार क्यों बताते हैं हर साल कितनी महंगाई बड़ी बड़ा डर लगता है हमको एमसीक्यू क्वेश्चन में यही सब पूछा जाएगा आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछेंगे चार पांच चीज और पांच नंबर चार नंबर का क्वेश्चन बना देंगे कैलकुलेट इंडेक्स नंबर तो आंसर आ गया आपका व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ 2018 टू थाउजेंड एटीन टू नाइन व्हाट इज एनुअल चेंज इन प्राइसेस अब आपकी हालत टाइट हो जाएगी यहाँ पे तो आपको ट्वेंटी का जो डिफरेंस है, 100 और 127 का, उसको चलिए हमारा चल इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से फोन किया था उन्होंने कहा रह गए भूल गए क्या हमको हमने कहा नहीं भूले तो हम कुछ भी नहीं है किसी को भी नहीं चलिए बच्चों आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री चल रन झटपट स्टार्ट करें वेरी क्विकली चिल्ड्रन चलिए तो इन सब को इक्वल इन टू हंड्रेड मान लेना है आपको बताइए बच्चों प्राइस रिलेटिव क्या होगा इसका पहले वाले का डेसिमल डेसिमल में आएगा तो टू प्लेसेस तक ले लीजिएगा ठीक है कावेंटी क्या है चिल्ड्रन ट्वेंटी सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग लिखने की जगह ही नहीं आ गया तो इसलिए गणित में बताइए कितना है हाँ भाई कितना रहा है एक सौ सोलह पॉइंट सिक्स सेवन आएगा कुछ लोगों को क्लास टू की मैथ्स की कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़ेगी ट्वेंटी चिल्ड्रन ये भी 150 आएगा दिस इज मच। और ये आ जाएगा वन थर्टी अपॉन वन ट्वेंटी सबको जोड़ के बच्चों सिक्स से डिवाइड कर दीजिए तो इट इज वन ट्वेंटी टू प्लस वन वन सिक्स नहीं आ रही क्लास में चलिए फिर 150, 150 तक जोड़ चुके थे हम वन जीरो If I'm not wrong, it is coming 753.1 children divided by six. हाँ, आरा आंसर 125.51. समझ गए समझ गए दो ही तो कैलकुलेट करिएगा तीन चार तक करेंगे टीचर समझ जाएगा कैलकुलेटर चला रहे हैं. समझ में आ गया बच्चों? चलन समझ में आ गया? Yes sir. नहीं समझे? समझ गए. समझ चलिए. अब ये कुछ महान आत्माएं हैं. यहाँ तीन है मैं आपको तीन चार और भी पढ़ाऊंगा एक डॉर्बिश बोले है एक मार्शल एजवर्थ है एक अकेली अकेली अपनी केली आंटी थी इंपॉर्टेंट वो तीन चार भी आपको अलग से पढ़ा देंगे मेन बच्चों बस दो ही हैं लैसपियरे और पाशे जादूगर पाशा मत बोलिएगा और ये लैसपियरे है लक्ष्मण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मत बोल दीजिएगा बॉलीवुड वाले जो म्यूजिक कंपोजर्स थे तो इट इज नॉट लक्ष्मीकांत पैरेलाल इट इज लैसपियरेज इंडेक्स नंबर एंड पाशे

अभी आप दोनों प्राइसेस को लेकर सिंपल एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव जो पढ़ा है वो फॉलो करिएगा इलेवेंथ में ये काम करिएगा बच्चों ट्वेल्थ में भी ये काम करिएगा प्राइस प्राइस से मतलब है क्वांटिटी क्वांटिटी से मतलब नहीं है थर्टींथ में भी यही काम करिएगा फोर्टींथ में तो करना ही यही काम है आपको ओके okay? फिफ्टीन में भी यही काम करिएगा क्वांटिटी को भूल जाइएगा कर लेंगे लोग चलिए आज की सेवाएं स्टैटिस्टिक्स यही होती है समाप्त वीडियो अपलोड होगा तो लाइक वाई कर दीजिएगा बढ़िया Check